साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश को फिर से आतंकवाद की आग में झोंक रहे हैं, भारत में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। आज चार लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की अंतिम सभा को करने के लिए मुझे लुधियाना में आना पड़ा है। तो बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि जिस पंजाब की भक्ति से गुरु नानक देव जी ने जाकर के अयोध्या में रामलला के मंदिर का उस समय दर्शन किया था, जिस अयोध्या में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं की फौज भेजी थी और राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस राम जन्मभूमि के लिए राम अवतार के नाम पर ही पूरा एक स्वर्ग दिखा था, आज गुरुओं के संकल्प को मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने में सफलता प्राप्त हुई है। और इसीलिए तो पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, फिर एक बार अब की बार 400 पार की बात जब होती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि 400 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे, उस प्रकार की लड़ने की क्षमता भी नहीं। तब जनता जनार्दन से पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है कि कन्हैया लाल मित्तल तो पहले ही कह चुके हैं, और कन्हैया लाल ने पहले ही क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। बहन और भाइयों, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना और कांग्रेस को सत्ता की इतनी लालसा थी, इतनी लिप्सा थी कि वह गुरु नानक देव जी की पावन स्थली करतारपुर साहब को ही भूल गए थे। मोदी जी के प्रति माबारी है कि उन्होंने करतारपुर साहब कॉरिडोर बना करके फिर से भारत के गौरव को बढ़ाया है और गुरु परंपरा को फिर से सम्मान देने का काम किया है। जीवंत बनाए रखने के लिए, सम्मान देने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में सम्मानित करने का काम किया है। आज के हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है, क्या उम्र थी, 7 साल, 9 साल, 14 साल, क्या उम्र है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, इस धर्म और देश के लिए लड़ रहे हैं, उस कालखंड में मुगलों का सामना कर रहे हैं और इसीलिए इस गुरु परंपरा को सम्मान देते हुए, उसके शरणों में नमन करते हुए।